My dear students, now I want to discuss the problem in which certain things are included or excluded. Suppose we will solve the problem number first. We wish to select 6 persons from 8 persons. But if the person A is chosen, then B must be chosen. This is the condition. If A is chosen, then B must be chosen. In how many ways can the selection be made? My dear student, total number of person is equal to 8. Out of 8, number of persons to be selected is 6. So first, when A is selected, condition is that when A is chosen, then B must be chosen. जब A को select करेंगे तो B select होगा ही. तो 8 में यदि हम A को select करते हैं तो B select होगा. तो बाकी कितना बचेगा? 6. 8 में से 2 तो निकल गया. A को select किए तो B अपने आप सेलेक्ट हो गया. तो बाकी कितना हुआ? 6 persons. और 2 का सिलेक्शन हो गया तो 6 से 4. तो हम 6 से 4 सेलेक्ट करेंगे. इन दिस वे 1 × 1 इज इक्वल टू 6 से 4 एंड द वैल्यू ऑफ 6 से 4 इज इक्वल टू 15. नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हेन ए इज नॉट चूजन, जब हम ए को नहीं चुनते हैं तब क्या होता है? When A is not chosen, A को नहीं चुनते हम लोग. A चुनते थे तब B चुनाता था. In this case, 6 persons must be selected out of remaining 7 persons. A को चुने ही नहीं, A को exclude कर दिए. तो number of person कितना हुआ? 7. Here total number of person is 8. Now total number of person is 7. Now from 7 we select 6, so it will be selected by 766. The value of 766 is 7, so required number is equal to 15. In first case 15, and in case second 7, that is 22. Solve the problem number 1. Now I want to solve problem number 2. A boy has 3 library tickets and 8 book of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow mathematics part second unless mathematics part second is also borrowed. In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? प्रिय विद्यार्थियों, इसमें एक शर्त है. क्या शर्त है? ए बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट. उसके इंटरेस्ट का 8 बुक है लाइब्रेरी में और उसको टिकट 3 है. लेकिन उसमें एक शर्त है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस फॉलोइंग 2 केसेस आर पॉसिबल. व्हेन द बॉय सेलेक्ट्स मैथमेटिक्स पार्ट 1 बुक, इन दिस केस ही विल सेलेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 2 एंड अदर बुक्स आउट ऑफ रिमेनिंग 7 बुक्स. यदि पार्ट 1 लेता है तो पार्ट 7 उसको सेलेक्ट करना है. तो बाकी बुक्स कहाँ से करेगा? बाकी 2 बुक्स, अदर बुक्स आउट ऑफ रिमेनिंग 7 बुक्स. सो नंबर ऑफ वेज इन दिस केस 1C1 × 7C2, दैट इज 21. व्हेन द बॉय डज नॉट सेलेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 1, अब लड़का यदि पार्ट 1 नहीं सेलेक्ट करता है, इन दिस केस द बॉय विल नॉट सेलेक्ट मैथ पार्ट सेकेंड बुक एंड हेंस ही विल सेलेक्ट 3 बुक्स आउट ऑफ रिमेनिंग 6 बुक. तब उसको रिमेनिंग 6 बुक से ही 3 बुक्स सेलेक्ट करना होगा, 6C3, क्योंकि इसमें उसको सेलेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट नहीं कर रहा है. व्हेन द बॉय डज नॉट सेलेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट बुक, इन दिस केस दे विल नॉट सेलेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड बुक.
फर्स्ट यदि सेलेक्ट करेगा तो सेकंड सेलेक्ट करना ही करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम ये सवाल दोनों केस में बनाएंगे। आशा है आप इन सवाल को समझे होंगे। सो नंबर ऑफ वेज इन दिस केस 6C3, दैट इज द वैल्यू ऑफ 6C3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 माइनस 3, फैक्टोरियल 3, दैट इज 21। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 21 + 20, दैट इज 41। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ थिंग्स, माय डियर स्टूडेंट, बाय यूजिंग दिस टेक्निक, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ थिंग्स, आउट ऑफ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी इन ईच कमिटी। प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। 6 जेंटलमैन है और 4 लेडीज है, और इस तरह सिलेक्शन करना है कि एक लेडी हमेशा उस कमिटी में रहे। आउट ऑफ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडी ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, 5 आदमी का एक कमिटी बनाना है जिसमें एक लेडी को रखना ही रखना है। लेडीज कितना है? 4। तो क्या क्या संभावना हो सकता है? नंबर ऑफ लेडीज 1, नंबर ऑफ मैन 4, नंबर ऑफ लेडीज 2, नंबर ऑफ मैन 3, नंबर ऑफ लेडीज 3, नंबर ऑफ मैन 2, नंबर ऑफ लेडीज 4, नंबर ऑफ मैन 1, 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, 4 + 1 = 5। सो वी सेलेक्ट, लेडीज कहाँ सेलेक्ट करेंगे? 4 से। और मैन कहाँ सेलेक्ट करेंगे? 6 से। देर आर 6 जेंटलमैन। सो इन फर्स्ट केस व्हेन लेडी इज 1, तो 4C1 × 6C4 एंड इट्स वैल्यू इज 4 × 15, दैट इज 60। इन केस नंबर ऑफ लेडीज इज 2, नंबर ऑफ मैन इज 3, 4C2 × 6C3, दैट इज 6 × 20 = 120। नंबर ऑफ लेडीज 3, नंबर ऑफ मैन 2, 4C3 × 6C2, दैट इज 4 × 15, दैट इज 60। नंबर ऑफ लेडीज 4, नंबर ऑफ मैन 1, 4C4 × 6C1 इज इक्वल टू 6। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल एड ऑल द कंडीशन, इट विल बी 246। सो माई डियर स्टूडेंट, इन दिस वे इन डिफरेंट सिचुएशन वी विल मेक डिफरेंट कंडीशन, विल मेक डिफरेंट सेलेक्शन। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ द अल्टरनेटिव मेथड, द अल्टरनेटिव मेथड इज वेरी वेरी नाइस एज आई थिंक, एंड इट इज वेरी ट्रिकी मेथड। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 6 + 4 = 10, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ 5 मेंबर्स आउट ऑफ 10 पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से हम सेलेक्शन कर लेते हैं 5 पर्सन का, वो लड़का है या जेंटलमैन है या लेडीज है, इससे कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 10 एंड टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ 5 मेंबर्स आउट ऑफ 10 पर्सन इज 10C5, तो 10C5 में तो लेडीज भी है और जेंट्स भी है। नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ 5 मेंबर्स व्हेन नो लेडीज इंक्लूडेड, जब एक भी लेडीज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो कितने तरह से सेलेक्ट होगा? जेंटलमैन की संख्या कितना है? 6, उसमें से 5 हम जेंटलमैन ले लिए। नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ 5 मेंबर्स व्हेन नो लेडीज इंक्लूडेड 6C5, सो रिक्वायर्ड नंबर इन विच एटलीस्ट 1 लेडीज इंक्लूडेड इज 10C5 - 6C5। 10C5 में लेडीज और जेंट्स सब है, और 6C5 में केवल जेंट्स है, तो लेडीज और जेंट्स का टोटल संख्या में जेंट्स का संख्या हम घटा दें तो क्या होगा? 1 लेडीज, 2 लेडीज, 3 लेडीज, 4 लेडीज, 5 लेडीज, ये सब इंक्लूडेड हो जाएगा। सो दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। इफ यू विल प्रोसीड इन दिस वे, इट विल टेक लेस टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द मेथड विच आई हैव डिस्कस्ड अबव। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई वांट टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 2। देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, ऑफ दीज 10 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन,
मतलब चारों पॉइंट कोलिनियर है, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज फोर पॉइंट्स नो थ्री पॉइंट्स आर इन दिस सेम स्ट्रेट लाइन। दस पॉइंट में से चार पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है और छह पॉइंट ऐसा है प्लेन में जिसमें से तीन पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तब द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग दीज टेन पॉइंट्स। दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्रॉब्लम एंड इट इज अ ज्योमेट्रिकल दिस प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम ज्योमेट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स। सो माई डियर स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू डिस्कस ऑल द कंडीशन सेपरेटली सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप। माई डियर स्टूडेंट, इन केस फर्स्ट फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर, चारों पॉइंट एक लाइन में है और ये छह पॉइंट प्लेन में है, छह पॉइंट प्लेन में है। तो यदि हम नंबर ऑफ पॉइंट्स सेलेक्टेड आउट ऑफ फोर कोलिनियर पॉइंट, ये चार कोलिनियर पॉइंट से हम दो तरह से पॉइंट लेंगे, एक तो ये चार कोलिनियर पॉइंट से लेंगे और सिक्स नॉन कोलिनियर पॉइंट से लेंगे। तो हम जानते हैं कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, तो ट्रायंगल के लिए हम पॉइंट कहाँ से लेंगे, सिक्स सी थ्री फोर सी जीरो, इससे एक भी पॉइंट नहीं लेंगे, केवल कहाँ से लेंगे हम लोग, पहला कंडीशन में तीनों पॉइंट हम सिक्स पॉइंट से लेंगे। उसके बाद अब मान लो एक पॉइंट इससे लेते हैं तो दो पॉइंट इससे लेते हैं, दो पॉइंट इससे लेते हैं, दो पॉइंट इससे लेते हैं, तो ट्रायंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, चार कोलिनियर पॉइंट से एक पॉइंट, चार कोलिनियर पॉइंट से एक पॉइंट और दो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर से, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है, फोर सी वन सिक्स सी टू दैट इज सिक्सटी। अब इसका हम दो पॉइंट ले लिए, देखने इसका दो पॉइंट किसका, कोलिनियर से दो पॉइंट और नॉन कोलिनियर से एक पॉइंट, सी दिस फिगर, वी टेक टू पॉइंट्स, दो कोलिनियर पॉइंट से यदि हम चार पॉइंट में से दो पॉइंट ले सकते हैं और नॉन कोलिनियर से एक पॉइंट ले सकते हैं तब भी ट्रायंगल बन सकता है। सो नाउ फोर सी टू, चार से दो और छः से एक, दैट इज 36। अब हम तीन पॉइंट वन टू थ्री, चार पॉइंट से तीन पॉइंट, चार पॉइंट से तीन पॉइंट नहीं ले सकते हैं, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को जोड़ने से ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो तीन पॉइंट यदि हम कोलिनियर से लेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा और नॉन कोलिनियर से यदि जीरो लेंगे तो इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा, इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो नॉन कोलिनियर से हमको कितना लेना पड़ेगा, कोलिनियर से हमको एक लेना पड़ेगा, कोलिनियर से कितना लेना पड़ेगा, दो पॉइंट लेना पड़ेगा, कोलिनियर से तीनों पॉइंट हम नहीं ले सकते हैं और कोलिनियर से हम जीरो पॉइंट लेंगे, कोलिनियर से एक भी पॉइंट नहीं लेंगे तो भी ट्रायंगल बनेगा, लेकिन कोलिनियर से तीन पॉइंट लेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हम हर एक केस को डिस्कस करके सवाल बनाएंगे। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी हमारे पास है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ थ्री पॉइंट्स आउट ऑफ टेन पॉइंट्स, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर मिला के कितना पॉइंट्स है, टेन, टेन में से तीन पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल। तो कितना ट्रायंगल बनेगा, 120, लेकिन इसमें वैसा वैसा भी पॉइंट है, जैसे फोर सी थ्री, चार कोलिनियर पॉइंट से को यदि हम तीन पॉइंट को जोड़ेंगे तो चार ट्रायंगल बनेगा, लेकिन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा नहीं, कोलिनियर पॉइंट से तो एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, लेकिन चार पॉइंट में से तीन पॉइंट यदि हम लेते हैं तो चार गो ट्रायंगल बनता है, कितना ट्रायंगल बनता है, चार गो, लेकिन चारों यह क्या है, कोलिनियर है, चारों क्या क्या है, कोलिनियर है, ये हम घटा दिए, कोलिनियर पॉइंट तीन पॉइंट से, कोलिनियर पॉइंट के तीन पॉइंट से जितना ट्रायंगल बना टोटल ट्रायंगल में घटा दिए,
116 हो गया. इन दिस वे विल गेट 116 ट्रायंगल्स. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड. नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर टू. नंबर ऑफ पॉइंट्स सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 कोलिनियर पॉइंट्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी वॉन्ट टू डिस्कस सेकेंड सब प्रॉब्लम नंबर सेकेंड. नंबर ऑफ पॉइंट्स सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 कोलिनियर पॉइंट्स. नंबर ऑफ पॉइंट्स सेलेक्टेड आउट ऑफ रिमेनिंग 6 पॉइंट्स. एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फॉर. प्रिय विद्यार्थियों, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए. तो 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं. इस 4 कोलिनियर पॉइंट से हम एक भी नहीं लेते हैं, हम नॉन कोलिनियर पॉइंट से लेते हैं. तो 4C0 6C1. अब 4 कोलिनियर पॉइंट, देर आर 4 कोलिनियर पॉइंट ए बी सी डी और इधर पी क्यू आर एस टी यू. प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम स्ट्रेट कोलिनियर पॉइंट से एक भी नहीं लें तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम कितना पॉइंट है 6. तो कोलिनियर से एक भी नहीं, मतलब 4C0 4 से एक भी नहीं और सारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते, इतना ट्रायंगल बना. अब कोलिनियर से एक 4C1 और 6C1. नॉन कोलिनियर से एक तो भी एक लाइन बनेगा, कोलिनियर से 2 और नॉन कोलिनियर से 0. तो कोलिनियर से 2, इसको समझना है, कोलिनियर से 2 नॉन कोलिनियर से 0, तो कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा. ए बी बी सी सी डी ऑल आर सेम स्ट्रेट लाइन. सो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी 1. सो माय डियर स्टूडेंट, सो विल गेट टोटल 40 नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड, तो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 पॉइंट्स. टोटल कोलिनियर और नॉन कोलिनियर मिला के कितना है? 10 पॉइंट्स. 10 में से 2 सेलेक्ट किए तो 45 लाइन हो गया. लेकिन इसमें तो कोलिनियर पॉइंट भी है, तो 4 कोलिनियर पॉइंट से कितना लाइन बनेगा? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितना लाइन बनेगा? 6 बनेगा. लेकिन ये चारों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है. इससे कितना लाइन बनेगा? एक लाइन बनेगा. तो 45 में हम 6 घटा दिए और एक जोड़ दिए. ये जो 6 लाइन बना, यहाँ क्या होगा? ये चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर होगा, लेकिन यहाँ चारों पॉइंट तो कोलिनियर है. इससे जो 6 लाइन बना, ये अधिक बन गया. जब हम 10 में से 2 लिए तो जितना अधिक बना उसको हम घटा दिए और इसके बदले एक लाइन ले लिए, इसको जोड़ दिए. ये मेथड से भी हम सवाल बनाए. आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. नाउ माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 कोलिनियर पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स सेलेक्टेड आउट ऑफ रिमेनिंग 6 पॉइंट एंड नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स. तो कोलिनियर पॉइंट से हम एक भी पॉइंट नहीं लिए. तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम कितना पॉइंट लिए? 4. तो 4C0 × 6C4. एक केस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर पी क्यू आर एस टी. सपोज दिस इज यू. सो पहला केस, ये 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को यदि हम में से 4 ठो को लेंगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा. सपोज हियर इज एक्स, क्वाड्रिलेटरल बनेगा. पी क्यू आर एस टी यू वी. तो 4 6 में से हम कितना लेंगे? 4. और इसमें 4 में से एक भी नहीं लिए तो एक केस हुआ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में.
मान लो इससे एक लिए और छः से तीन लिए, इससे एक, छः से तीन, तो 4c1 × 4c3, इससे दो, कोलिनियर से दो, और नन कोलिनियर से दो, 4c2 × 6c2। अब कोलिनियर से तीन, ये संभव नहीं है, कोलिनियर से तीन, नन कोलिनियर से वन, तो ये संभव नहीं है, जीरो, कोलिनियर से फोर, नन कोलिनियर से जीरो, तो ये भी केस संभव नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 185। नाउ अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड कोलिनियर और नन कोलिनियर मिला के कितना पॉइंट्स है, 10, 10 में से चार को हम सेलेक्ट किए, 210 क्वाड्रिलेटरल हुआ, कितना क्वाड्रिलेटरल हुआ, 210 क्वाड्रिलेटरल। प्रिय विद्यार्थियों, अब नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ फोर पॉइंट्स व्हेन नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म, कब कब एक भी क्वाड्रिलेटरल नहीं मिला, तो जब हम 4c3 चार कोलिनियर पॉइंट लिए, में से तीन को हम लिए और इसमें सिक्स में से एक लिए, तो इस परिस्थिति में भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, लेकिन इसमें तो ये क्वाड्रिलेटरल जुटा हुआ है। फिर 4c4 × 6c0, चारों हम कोलिनियर से लिए और एक और कोई भी पॉइंट नन कोलिनियर से नहीं लिए, यह भी केस इसमें जुटा हुआ है, तो दोनों केस में कितना क्वाड्रिलेटरल बना, 25, और इसमें ये जुटा हुआ है इसलिए इसमें घटा दिए, तो 185। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस मेथड, एज आई फील दैट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे बाय विच वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन शॉर्टकट मेथड। माई डियर स्टूडेंट, नाउ आई वॉन्ट टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हियर देयर इज ए जनरल रूल, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग में से जीरो या जीरो से अधिक यदि ऑब्जेक्ट को हम लेंगे तो कितने ढंग से बनेगा, NC0, N में से जीरो, NC1, NC2, NCN, एन फ्रॉम द बाइनोमियल कोफिशियंट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन प्लस NCN इज 2 to the power n। ये विद्यार्थियों, ये बात आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, इसमें जीरो इंक्लूड है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN, और इसको सॉल्व करने के लिए हम NC0 जोड़ दिए, NC0 घटा दिए, द वैल्यू ऑफ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस ऑन NCN माइनस NC0 इज 2 to the power n-1। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह मैंने अब डिफरेंट टेक्निक डिस्कस किया, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टेक्निक्स अप्लाइंग विच नाउ यू वुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ NCERT बुक्स एंड अदर रेफरेंस बुक। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व the remaining problems of countings, permutation and combination, so that I will solve remaining problems of NCERT involving arrangement and combination. Then in next video you will see the solution of the remaining problem in which permutation and combination both are involved. Thank you. Thank you very much.